So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V29 डिवाइस के अंदर अगर आप भी अपने फोन के अंदर 5G को रन करना चाहती हैं तो आप इजीली कर सकती हैं। वेल, इसके अंदर हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि 5G सेटिंग्स करते कैसे हैं। और जिन्होंने 5G को ऑलरेडी सेट वगैरह करके रखा है बट वो किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मीन्स की गाँव वगैरह से करते हो, तो ऐसे केस में पता है नेटवर्क प्रॉपर कवरेज नहीं देता 5G का, तो फ्लक्चुएट होता है, स्विच करता है बार बार 4G से 5G, 5G से 4G, तो ऐसे केस में नेटवर्क प्रॉपर रन नहीं कर पाता इंटरनेट, तो ऐसे केस में आप उसको स्टेबल भी कर सकते हो, तो इसको भी बताऊंगा। एंड तक वीडियो देखना, आपको सेटिंग से लेकर एंड कोड रन करने से लेकर आपको स्टेबल करना है क्या 5G को कैसे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे सेटिंग्स को इनेबल करना है। वेल गाइस, यहां पर इसके लिए ओपन करेंगे अपना फोन सेटिंग्स। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, इसमें एक टॉप नंबर एक सेटिंग्स मिलती है जो देखने को, वो है नेटवर्क सेटिंग्स को प्रेस करना। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन फिर से मिल जाता है जो है, ये भी एक कर सकते हो, नेटवर्क सेटिंग्स ही है सिम कार्ड का, तो इसको प्रेस करना, स्क्रॉल करके नीचे आना, आपको लास्ट में मिल जाता है सिम वन सिम टू दोनों देखने को मिल जाता है। जिस भी सिम कार्ड में आपको एक्टिवेट करना है 5G उसको प्रेस करेंगे। एज अ डेमो मैं यहाँ पर 2 को कर लेता हूँ क्योंकि दो नंबर में ऑलरेडी हमारा जियो है, बट कहीं कहीं क्या होता है रूरल एरिया में वो फ्लक्चुएट करता है, कवरेज अच्छी नहीं होती है, इसलिए अब यहाँ पर आएंगे, प्रेफर्ड टाइप का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना। अब जियो तो आपको पता होगा कि जियो एक लाइव नेटवर्क 4G का पहले से लॉन्च किया था, तो इसमें आपको 2G 3G का जो ऑप्शन मिलता है, 2G 3G जो चलता नहीं है जियो वाले में, तो ऐसे में 4G सिलेक्टेड होगा आपका, तो 4G ही रन करेगा जियो वाले डिवाइसों में, तो सिम कार्ड में, तो इसमें प्रेस करना प्रिफर्ड टाइप पे, जिसको 5G रन कर देना। जैसे आप 5G करेंगे, अगर कवरेज अच्छी हुई आपके यहाँ 5G की, तो इंस्टेंट ही 5G आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना फोन को, कभी कभी होता है कि बहुत दिनों के बाद कोई सेटिंग्स करते हो, यू नो पता है आपको कि बहुत सारी चीजें हो जाती है तो एक काम नहीं करते, वैसे केस में तो रिस्टार्ट कर देना, काम करना चालू हो जाएगा। हाँ, किसी ने अगर सिम कार्ड को पोर्ट करा रखा है, इंस्टेंट ही पोर्ट कराया है और 5-6 दिन में को बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं कि 5-6 दिन लग जाता है इसको एक्टिवेट करने में, तो उनके लिए वेट कर लेना थोड़ा सा। बाकी अगर VI वगैरह का है, VI कह रहा हूँ, एयरटेल का अगर है तो एयरटेल में आप इंस्टेंट ही एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, आप आसानी से चला सकते हो। इवन VI का भी काफी जगह पर आना शुरू हो गया है 5G, धीरे धीरे में भी शायद आ जाएगा। और अगर इस सेटिंग्स को आप ऑन कर लेते हो तो आपके फोन में 5G नेटवर्क आ जाएगा, और 5G अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके लिए कोड हमने जो बताया था वो कोड को एंटर करना है। एक कोड है *#*#4636#*#*#, इस कोड को रन करेंगे, टॉप नंबर की सेटिंग्स को ओपन करना जो है, फोन इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है। इसमें एक देखो एक सेटिंग्स होगा, सेट प्रेफर्ड टाइप नेटवर्क, इसको प्रेस करना है, ऐसे स्क्रॉल करके वापस नीचे आते हैं, ये फ्लक्चुएट होती रहती है डाटा वगैरह होता है, तो इसको प्रेस कर लेना। इसमें एक सेटिंग्स होगी, स्क्रॉल करना नीचे, एनआर ओनली पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके फोन के अंदर 5G ओनली 5G ही स्टेबल रहेगा, 4G नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में इसको कर सकते हो जहां फ्लक्चुएट हो रहा है और 5G रन करना आपको। तो कोड को याद करके रखना, कोड को वापस एंटर कर देना, जहां पर 5G रन नहीं करता वहां पर 4G भी नहीं चलेगा, तो इसलिए वहां कोड को एंटर करके आप 4G में वापस से सेम सेटिंग्स को करके स्विच कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है इन दोनों सेटिंग्स को करना, आई थिंक समझे होंगे कैसे सेटिंग्स करना था 5G का। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।